क्रिकेट जगत पहली बार T20 विश्व कप का गवाह बनने जा रहा था। भारतीय क्रिकेट में ये वो दौर था जब सीनियर खिलाड़ियों के बिना युवा खिलाड़ियों के भरोसे पर भारत को T20 वर्ल्ड कप में खेलने भेजा गया। उस T20 में एक युवा चेहरा थे रोहित शर्मा। उस वर्ल्ड कप में भारत क्वार्टर फाइनल का मुकाबला रोहित की नाबाद 50 रन की पारी की बदौलत ही जीता। साउथ अफ्रीका के खिलाफ रोहित की उस पारी ने भारत को अगले दौर में पहुंचाया और उसके बाद फाइनल में भी पाकिस्तान के खिलाफ रोहित के 16 गेंदों में 30 रन भारत की जीत में अहम साबित हुए। 2009 T20 विश्व कप तक रोहित थोड़ा एक्सपीरियंस ले चुके थे, लेकिन उनकी बांग्लादेश के खिलाफ तेज गेंदों में 36 रन और आयरलैंड के खिलाफ हाफ सेंचुरी भी भारत के सेकेंड राउंड एग्जिट को नहीं रोक पाई। इस बार विश्व कप में रोहित शर्मा की प्रेजेंस कितनी क्रूशियल है, इस बात का अंदाजा इसी बात से हो जाता है कि 2007 T20 विश्व कप के हीरो युवराज सिंह भी उनकी तारीफ में कहते हैं, इस विश्व कप में भारत को एक अच्छे कप्तान की जरूरत है जो अंडर प्रेशर बेहतर डिसीजन ले सकें, और वो रोहित शर्मा हैं। उनके नेतृत्व में भारत पिछले साल 50 ओवर वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा। उनके नाम 5 IPL खिताब हैं। भारतीय टीम की कमान संभालने के लिए रोहित शर्मा की ही जरूरत है। रोहित के लिए जितना शानदार 2014 का विश्व कप रहा है, रनों के लिहाज से उतना ही सक्सेसफुल रहा है उनके लिए 2021 का T20 वर्ल्ड कप। 2014 में भारत फाइनल में पहुंचा तो उसमें रोहित की अहम भूमिका रही। इस विश्व कप के दूसरे ही मैच में रोहित ने अपने T20 वर्ल्ड कप की बेहतरीन पारियों में से एक खेल डाली। वेस्टइंडीज के अगेंस्ट मिले 129 रन के टारगेट के जवाब में भारत के लिए ओपन करते हुए रोहित ने नॉट आउट 62 रन की पारी खेली। उन्होंने पहले विराट कोहली और फिर युवराज सिंह के साथ मिलकर लंबी पार्टनरशिप निभाई और भारत को विजयी बनाया। 2021 में UAE और ओमान में हुए विश्व कप में भी रोहित का बल्ला खूब हल्ला बोला। हालांकि इस विश्व कप में भारत सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच सका, लेकिन रोहित के बल्ले से 74, 30 और 56 रन की कुछ अच्छी पारियां निकली। 2022 T20 विश्व कप में तो रोहित के नाम एक और शानदार कारनामा दर्ज हुआ। नीदरलैंड्स के खिलाफ अपनी 53 रन की पारी के दौरान लगाए 3 छक्के लगाकर रोहित शर्मा ने युवराज सिंह के विश्व कप में सबसे ज्यादा 33 छक्कों का रिकॉर्ड तोड़ा और एक बार फिर बताया कि उन्हें हिटमैन क्यों कहा जाता है। ये विश्व कप रोहित शर्मा के लिए आखिरी मौका है 2007 के बाद दोबारा ट्रॉफी उठाने का, और लगता भी है कि उनकी प्रायोरिटीज काफी साफ हैं। रोहित के मुताबिक T20 वर्ल्ड कप में उनकी कप्तानी नई नई है। टीम में चाहे 4 स्पिनर शामिल करने का मामला हो या कोई और, उनके पास हर कॉम्बिनेशन की स्ट्रैटेजी मौजूद है जो वक्त आने पर पता चल जाएगी।